हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स, उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा और एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेड मैसेजेस हैं, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी मेजर अरकाना। मेजर अरकाना से हम लेंगे फाइव कार्ड्स और एनर्जी चेक करेंगे, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। फाइव कार्ड्स एंजल्स, टावर एंड द वर्ल्ड टुगेदर। द चैरियट, द फूल, कुछ अजीब सी एनर्जी है ना। वन मोर कार्ड, मजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस। ओके, तो अगर मैं एनर्जी कहूँ तो एनर्जी हैवी है। आज सुबह भी मैंने आपसे कहा था कि आपके पर्सन का मूड काफ़ी अच्छा नहीं है, आर्ग्यूमेंट वाला मूड है। और फाइव ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और क्या आया था, स्ट्रेंथ। तो मैंने आपसे कहा था कि या तो इनको कोई मैनिपुलेट कर रहा है या फिर इनका मूड ख़राब है, कहीं ना कहीं गुस्सा निकालेंगे या निकालेंगी। यहाँ पर जो एनर्जी है आप देख सकते हैं, पहला कार्ड टावर है, फिर द वर्ल्ड है, मीन्स एंडिंग ऑफ अ साइकिल, बिकॉज एंडिंग के साथ है। एंड वी हैव थर्ड पार्टी, ओवरऑल एनर्जी में वी हैव न्यू बिगनिंग, मतलब कहीं से ये बंदा या बंदी बाहर निकलने की वाइब्स में है। अब ये आपसे बाहर निकल रहे हैं कि थर्ड पार्टी से बाहर निकल रहे हैं, ये हम क्लैरिफाई करेंगे, बट एनर्जी इज़ हैवी। साइन बताऊँ तो यहाँ पे कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस, एरीज, ये आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। और क्योंकि वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, सो ओवरऑल सभी राशियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। क्यों आया है एंजल्स टावर, पहला ही कार्ड पर्सन की एनर्जी में। देखिए बैगेज है, बोझ है, एक ऐसा व्यक्ति जो जिम्मेदारियाँ उठा रहा है या उठा रही है, या जिम्मेदारियों के बोझ तले दबता जा रहा है या दबती जा रही है, ये वाइब्स है। और यहाँ पर आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी सिचुएशन का बोझ अब और नहीं उठा पाएंगे, यहाँ पर डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी नज़र आ रहा है। वी हैव रेस्ट एंड रिजुवनेट, ब्रेकअप की एनर्जी है यहाँ पर आपके पर्सन। देखिए यहाँ पर टावर के बाद चैरियट आया है, जैसे इन सिचुएशन से बाहर निकलना। तो यहाँ आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो भी बैगेजेस हैं, उससे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये टावर कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम कर रहा है। टावर के बाद द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया एंजल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड नीचे गया, एट ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एक सेकेंड, सो यहाँ पर जो एनर्जी है, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जिस सिचुएशन में ट्रैप थे या थी, उस सिचुएशन से अब बाहर आ चुके हैं या आने वाले हैं। यहाँ से बाहर आने के बाद आपको मैसेजेस भी आएंगे, आपको कॉल्स भी आ सकते हैं, इनकी तरफ से आपको कोई कंफर्मेशन मिल सकता है कि मैंने ये सिचुएशन ही ख़त्म कर दी, मैंने ये सिचुएशन ही रिलीज़ कर दी, इस तरह की वाइब्स हैं। चैरियट क्यों आया है एंजल्स, टावर को चैरियट ने क्लैरिफाई किया, चैरियट को टावर ने क्लैरिफाई किया, कुछ ख़त्म करके निकल रहे हैं आपके पर्सन बाहर। ओ हो, वी हैव द सन एंड सन के साथ वी हैव डेथ। सो यहाँ पर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है गाइज, ये एमआई नहीं आया है, ये जो क्लैरिफिकेशंस आ रहे हैं एग्जैक्टली द सेम क्लैरिफिकेशंस, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ तो है आपके अब ये तो कलेक्टिव रीडिंग है, अब ये किसी के नाम से तो है नहीं कि मैं निकाल दूँ सीधा क्या क्या चल रहा है, बट
कलेक्टिव में अगर दोनों डेक से सेम एनर्जी आ रही है बिकॉज वी हैव द सेम एनर्जी, इसका मतलब कि एनर्जी इज़ रियली हैवी. ठीक है, आपके पर्सन ने कोई डिसीजन ले लिया है, ये डिसीजन फैमिली से रिलेटेड है बिकॉज सन रिप्रेजेंट फैमिली, सन रिप्रेजेंट सोसाइटी, सन रिप्रेजेंट फादर, सन रिप्रेजेंट कम्युनिटी. तो मासेस की एनर्जी है, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो बीच में इंटरफेयर कर रहे थे या कर रही थी, चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाई, इनका गुस्सा फूटा और इन्होंने ख़त्म कर दिया सब कुछ. द फूल क्यों आया है? न्यू बिगिनिंग. आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी एम्परर एंड एम्प्रेस एनर्जी को कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस. बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन की एनर्जी में आज का दिन काफ़ी हैवी है, इनका मूड काफ़ी ख़राब हो सकता है. क्यों आए हैं एम्परर एंड एम्प्रेस? ये लोग शादी को लेकर पीछे पड़े थे, शादी ये अपने मर्जी से करना चाह रहे हैं और यहाँ पर इनके जो पेरेंट्स हैं वो शादी अपनी मर्ज़ी से करवाना चाह रहे हैं. कुछ इस तरह की वाइब्स थी, जैसे आपका पर्सन आपसे प्यार करता है, आपसे शादी करना चाहता है अरेंज्ड वे में, बट इनकी फैमिली नहीं मान रही, इनकी फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही. इस मुद्दे को लेकर काफ़ी लोगों की फैमिली में बवाल चल रहे हैं गाइस. क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन? आपके पर्सन तो हमेशा यही मैनिफेस्ट करते हैं कि थर्ड पार्टी जो भी है वो बैलेंस क्रिएट करे, मतलब मान जाए प्रॉपर वे में, झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, ये यही चाहते हैं या चाहती हैं. बट जब ऐसी सिचुएशन नहीं आ रही है तो ये इरिटेट होकर ये जो चीज़ें हैं थोड़ी डिस्ट्रक्टिव सी एनर्जी वो निकल कर आई है. एम्प्रेस क्या बताना चाहता है? थ्री ऑफ वॉन्ड्स विद किंग ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस. डेफिनेटली बहुत समय से ये कोशिश कर रहे थे समझाने की, मैनिपुलेट करने की, एक्सप्रेस करने की अपने इमोशंस को, लेकिन चीज़ें क्लियर आउट नहीं हुई हैं. क्यों आया है थ्री ऑफ वॉन्ड्स? आपके पर्सन चाहते हैं कि थर्ड पार्टी जो भी है वो बैलेंस हो जाए, ये वर्कआउट करना चाह रहे हैं. कौन है ये एम्प्रेस? क्या घर से हैं? यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की लाइफ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो इनके अपने लोग हैं जिनसे ये प्यार करते हैं. कुछ लोगों के लाइफ में कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, मे बी मेल फ्रेंड, फीमेल फ्रेंड, बट यहाँ पर ये एनर्जी है कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जो इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है आपके अगेंस्ट, और आपके पर्सन उस सिचुएशन में फ्रस्ट्रेट होकर कोई एक्शन ले रहे हैं. सो ये चीज़ें हैं गाइज. आज एनर्जी सच में हैवी है, तो थोड़ा सा आज आप लोग के लिए वार्निंग मैं डाल दूंगी, थोड़ा सा अवेयर रहिएगा ताकि कोई गलती ना हो. जय शिव शक्ति. देखते हैं आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त. सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए स्पेशली? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स. करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स हैं उनके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में? पहला ही कार्ड है स्टारलाइट. देखिए ये होपफुल हैं, इन्हें अभी भी होप है कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सिचुएशंस ख़राब हैं वो सुधरेंगी, इन्हें पूरी होप है. और इस होप के बेसिस पर ही ये खुश हैं, प्रसन्न हैं, चीज़ों को बहुत स्ट्रेंथ के साथ आगे लेकर चलने का दम रख रहे हैं. इन्हें होप है आपसे. नेक्स्ट वी हैव कीपर ऑफ स्पेल्स. ये फिजिकली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मींस कि ये आपको देखना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं. अपने जो भी इनकी फ्रस्ट्रेशन है उसको आप ही कंट्रोल कर पाओगे, ये भी एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि फायर एनर्जी है, आप अग्नि को देख पा रहे होगे. तो जैसे होता है ना कि इंसान का कभी कभी दिल जलता है, उसको ऐसा लगता है कि अंदर अंदर आग लगी पड़ी है और कोई है, कोई एक ही पर्सन है जो शांत कर सकता है. तो इन्हें होप है आपसे बहुत ज़्यादा, मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको. इन्हें ऐसा लगता है कोई जादू हो जाए और चीज़ें ठीक हो जाएं. करंट फीलिंग्स. वी हैव स्ट्रेंथ. आप इनकी ताकत हैं,
या आपको लेकर फीलिंग्स में आया है, आप ही इनकी स्ट्रेंथ है, आप इनकी शक्ति हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके साथ हो तो ये कोई भी जैसे प्रॉब्लम हो, कोई भी चैलेंज हो, ये इजीली उन चैलेंजेस को पार कर जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं। क्या कॉल मैसेज करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं, वी हैव एड ऑफ विजन। ये इस वक्त इमोशनली बहुत अपसेट हैं, और इस वक्त क्योंकि ये इमोशनली बहुत अपसेट हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में कोई नहीं है इनका अपना, और ये डिप्रेशन वाली एनर्जी में है, द वर्ल्ड की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप नहीं तो कोई नहीं, और दूसरी बात कि इनकी लाइफ में तो इन्होंने बैंड बजाई रखी है, ये हालत है इनकी, सर पकड़ कर बैठे हैं। तो आज इनका मूड तो इसी तरह का रहने वाला है, थंबनेल में यही लगाऊंगी अगर मुझे याद रहा तो अगर मैंने थंबनेल लगाई तो डेफिनेटली, बिकॉज ये जो एनर्जी है ये इस आज की रीडिंग पे एकदम परफेक्ट बैठ रही है। या तो ये एनर्जी में है टेंशन वाली, और या तो इन्होंने अस्त्र शस्त्र उठा लिए हैं, या अब मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला, जो मेरे रास्ते में आएगा मैं ले बीतूँगा या ले बीतूँगी उसको। ये दो में से कोई एक एनर्जी है। आपके पर्सन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। आज की एनर्जी कैसी आ रही है ना, तो करंट फीलिंग्स में देखिए रोमांस कम है लेकिन एक्सप्रेशन ज़्यादा है। बहुत कुछ है जो बोलना चाह रहे हैं, बहुत कुछ है जो आपको बताना चाह रहे हैं, बहुत कुछ है जो आपके लिए ये कर रहे हैं। मे बी आपको बताएं, मे बी हो सकता है थोड़ा समय लें बताने में, बट ये वाइब्स यहाँ पर क्लियरली निकल कर आ रही हैं कि इनकी एनर्जी, चाहे मैं कोई भी डेक ले लूँ, एनर्जी इज़ द सेम। देखते हैं इमीडिएटली किस तरीके के एक्शन, किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिलेंगे। इमीडिएट एक्शन एंजल्स, क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा हैं इतने कार्ड्स, एक साथ में नहीं लूँगी, वन बाय वन। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का क्या होने वाला है। सबसे पहले तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन एक निर्णय के साथ वापस आने वाले हैं। अब ये निर्णय क्या होगा, ये निर्णय होगा हार्मोनी। मैंने पूछा ये निर्णय क्या होगा, और ये निर्णय है हार्मोनी विद फर्म फाउंडेशन, एक सॉलिड बेस के साथ वापस आने की वाइब्स है, एक निर्णय के साथ वापस आने की वाइब्स है। फोर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट इस रीडिंग को देखने के बाद, विद इन 40 आवर्स, विद इन 22 आवर्स, विद इन 31 आवर्स, या विद इन 4 आवर्स, ये रेजोनेट कर सकती है। लकी वंस 4 आवर्स के अंदर अगर आपको कॉल मैसेज आ जाए और ये चीज़ें आपसे रेजोनेट हो जाएं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है, शॉर्ट डिस्टेंस में है, डजेंट मैटर, यहाँ पर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी। वी हैव 3333, गजब, ऐसी एनर्जी बहुत रेयर ही आती है। तो वी हैव 3333, आप देख सकते हैं 4 times 3, इट्स अ मैसिव एनर्जी। यहाँ पर विजडम, नॉलेज, अबंडेंस, गुड न्यूज़ निकल कर आया, बिकॉज वी हैव सेलिब्रेशन टुगेदर विद मदर यूनिवर्स। तो बहुत सारे लोगों के मैनिफेस्टेशंस फुलफिल होने वाले हैं गाइस, आपकी बहुत सारी विशेस पूरी होने वाली हैं। आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है फुल मून पे, वो पूरी होने वाली हैं, जिसके जिसके पूरे होते जाएं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्पेल्स करते हैं, रिजल्ट पॉजिटिव आता है, लेकिन वो मुझे व्हाट्सअप पे बताते हैं। काइंडली आप उसी स्पेल वीडियो पे लिखा कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पॉजिटिविटी मिले। यहाँ मदर यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाली है, तो खुश हो जाइए। बहुत ही प्यारी एनर्जी, आप देख सकते हैं जितनी हैवीनेस थी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, होप आपको कार्ड अच्छे से नज़र आए, जितनी भी हैवी एनर्जीज थी सुबह की रीडिंग में, अभी की रीडिंग में, नेक्स्ट एक्शन ने सबको दूर कर दिया है। मतलब जो भी होने वाला है ज़्यादातर आपके फेवर में ही होगा, ये वाइब्स हैं। यहाँ पे कुछ एंजल नंबर है, स्पेशली एंजल नंबर 369, ठीक है, एंजल नंबर 369 के बाद वी हैव 333, वी हैव 911,
और अगर मैं कहूँ तो वी हैव 6996, ठीक है, ये एंजल नंबर है। और बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव नंबर 8786 की भी वाइब्स हैं, तो यहाँ पे सभी पॉजिटिव एंजल नंबर्स हैं। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको अभी इस वक्त। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं? प्लीज गाइड करें। एंजल्स की तरफ से आज के दिन में क्या मैसेज है? पहला मैसेज है अलाइन विद योर होलनेस, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये। सेकंड मैसेज है आपके लिए पर्जिंग प्रोसेस। थर्ड मैसेज है पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास कलेक्टिव कॉन्शियसनेस विद फाइनेंशियल फ्रीडम। तो अगर मैं बात करूं, पहला मैसेज, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा होगा कि शायद वो बीमार है, शायद उनकी तबीयत खराब है, सर में भारीपन है, बदन में दर्द है। बहुत सारे साइंस ऐसे हैं जैसे आपको कोई वायरल हुआ पड़ा है, आपको या तो आप बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हैं, आपको बहुत नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा लेज़ी फील हो रहा है। तो देखिए, जब यूनिवर्स शिफ्ट लेती है, तो जब यूनिवर्स शिफ्ट लेती है तो चीज़ें बहुत पावरफुली इफ़ेक्ट करती हैं हमारी बॉडी को। लेकिन उस इफ़ेक्ट्स को जो लोग मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, यूनिवर्स से अलाइनमेंट में हैं, वो लोग रिसेप्टिव होते हैं, उन एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो वो एनर्जी को पिक तो करते हैं, क्योंकि यूनिवर्स ब्रह्मांड तो सबका है, ब्रह्मांड खाली किसी पर्टिकुलर ग्रुप का तो है नहीं। तो जब उसका इफ़ेक्ट पड़ता है तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद वो बीमार हैं। कई लोगों को लगता है आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, कई लोगों को लगता है आज मैं डबल खा रहा हूँ, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपसे आपके साथ होती होंगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कई बार अचानक से आप चाहे कितना भी डाइट पे हो, कितना भी आप रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो, बट सडनली आप एकदम दबा कर खाना शुरू कर देते हैं। ये खाया, वो खाया, वो खाया, सामने वाला घर वाले भी परेशान गया, तो तेरी तो डाइट चल रही है, तू इतना कैसे खा रहा है या खा रही है। बट आपको ऐसा लगता है यार आज पता नहीं क्यों भूख लग रही है। वैसे ही कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत बड़े भूखड़ हों लेकिन आपको भूख ही नहीं लगती। तो ये यूनिवर्स की पावर है। यूनिवर्स जब आपको अलाइनमेंट में लेके आती है, आपकी माइंड बॉडी सोल को अलाइनमेंट में लेके आती है, तो आपकी लाइफ में 360 डिग्री का चेंज आता है। लेकिन ये टेम्प्ररी होता है, ऐसा नहीं कि ये महीना 10 महीना चलेगा, ये टेम्प्ररी एनर्जी होती है। बहुत कम, जैसे जो लोग साधक होते हैं या किसी जर्नी में होते हैं, उनके साथ ये चीज़ें 6 महीना साल भर तक चल जाती हैं, वो चीज़ें कंटिन्यूएशन में चलती हैं। लेकिन नॉर्मली ये चीज़ें कुछ घंटों की होती हैं। साथ ही साथ कई बार जब आपको अलाइन किया जाता है तो आप सोते हैं, और सोने के बाद आपके जो भी एक्टिवेशंस हैं वो यूनिवर्स करते हैं, वो आपको सुला देते हैं। साथ ही साथ सोने में आप ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं, भीग कर आप बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं जब आपके शरीर पे पानी हो, और या तो फिर सोते टाइम आप बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं। इसीलिए जब हमें ड्रीम्स आते हैं तो हम रिसेप्टिव होते हैं, जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया जाता है, और उस मैसेज के बाद टपली बजा के उठा दिया जाता है कि आप उठ जा, नोट कर ले उसको, वरना फिर से आना पड़ेगा उनको बताने के लिए। तो मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है कि मुझे पीट के उठाया गया है, और बकायदे उठाए, क्योंकि उनको पता होता है कि इतना थक जाती है कि ये उठेगी कि नहीं उठेगी गारंटी नहीं है, तो उसको पीट के उठाते हैं, उठ नोट कर। तो ऐसा आपके साथ होता हो तो अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, और अच्छी बात है नहीं होता तो। लेकिन मेरे को तो पढ़ा लिखा के जाते हैं और सुबह उठ के मैं सब भूल जाती हूँ, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। बैठा के पढ़ाते हैं और 4-5 लोग खड़े होके, और सुबह उठो तो पता चला सब दुनिया गोल है। तो फिर उसके बाद उन्हें वापस आना पड़ता है। तो इसीलिए कई बार मैं बहुत मार खाती हूँ गाइस, मैं बहुत बेकार स्टूडेंट हूँ, लेकिन फिर भी देखिए प्रभु की कृपा ऐसी है कि वो ऐसे बच्चों को भी पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो आपको अलाइन करने की है। तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो अलाइनमेंट में आएंगे और उनको टपली पड़ेगी,
लेकिन उस टपली का बहुत इम्पोर्टेंस होता है लाइफ में, तो वो ज़रूरी है। देन वी हैव पर्जिंग प्रोसेस। पर्जिंग प्रोसेस, यहाँ पर आपको सडनली इमोशनल ट्रिगर मिलेगा, जैसे माँ ने कुछ कह दिया, आपका माँ से बहस हो गया और फिर आप रो रहे हैं, या आपके पति ने कुछ कह दिया, पत्नी ने कुछ कह दिया, किसी सास ने कुछ कह दिया, या आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने आपको कोई ट्रिगर कर दिया। आपके मन में अगर किसी ने कुछ नहीं कहा ना, कई बार अपने आप ही, जब यूनिवर्स को आपको पर्ज आउट कराना होता है ना, पर्जिंग प्रोसेस से गुजारना होता है, वो आपके इनर पीस को डिस्टर्ब कर देते, वो आपके जो भूली बिसरी यादें हैं उसको बाहर निकालना शुरू करेंगे। आप उसको सोच सोच कर रोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार अच्छा खासा खाना खाया, खाना बनाया, सब कुछ ठीक था, अचानक से क्यों आंसू आ रहे हैं, क्यों मुझे इतना अचानक से हैवीनेस लग रहा है, जैसे अगर रोऊंगी नहीं या रोऊंगा नहीं तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, या किसी पर गुस्सा नहीं करूंगा तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो कई बार पर्ज इंसान करता है, रिलीज़ करता है अपनी नेगेटिविटी को। कई बार पर्जिंग प्रोसेस में बॉडी एक्स भी होते हैं, सडनली मोच आ जाना, सडनली आपको कोई चोट लग जाना, सडनली आपको कोई क्रैम्प आ जाना, ये भी कई बार पर्जिंग प्रोसेस का पार्ट होता है। इसके बाद पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, एंजल्स आपको हमेशा आपके पीछे खड़े रहते हैं, लेकिन वो आपको टच नहीं कर सकते, वो आपको ये नहीं कह सकते कि हाँ तुझे यहीं चलना है, वो आपको गाइड करते हैं, बाकी आपका कर्मा है, कर्मा आपको ही करना है, भगवान ने आपको रास्ते दे दिए हैं, उस रास्ते पर चलना तो आपको ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सही रास्ते पर चलते हैं और फिर पीछे आ जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं इस रास्ते पे तो बहुत ऑब्स्टेकल हैं यार, ये तो बहुत ख़राब रास्ता है, इस पे तो बड़े कंकड़ हैं, बहुत कांटे बिछे हुए हैं इस रास्ते पर, अरे छोड़ो जहाँ सब जा रहे हैं वहाँ चलो, इजी रास्ता पकड़ो, निकल लो आगे फटाफट से। तो एक्चुअली में आप गलत रास्ते पर चले जाते हैं, क्योंकि सही रास्ते पर आप चलेंगे तो आपको कंकड़ और कांटे मिलेंगे। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आपको जब सही रास्ता दिया जाता है तो आप गलत रास्ते पर जाकर नॉक करते हैं और फिर बाद में वापस आते हैं और कहते हैं यार मेरे को तो सक्सेस मिल ही नहीं रही, मेरे लाइफ में तो चीज़ें सुधर ही नहीं रही, लोग तो गलत बोलते हैं कि यार ये रास्ता बहुत सही है। तो ये चीज़ें, सही डोर को नॉक कीजिए। इसके बाद लास्ट मैसेज है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। आप में से बहुत सारे लोग हैं, जैसा कि मैंने अभी इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया, कलेक्टिवली कॉन्शियसनेस रेज़ हो रही है और ये अभी रेज हो रही है, ये कुछ टाइम पीरियड तक कलेक्टिवली रेज़ होती रहेगी होती रहेगी, उसके बाद नीचे गिरना शुरू होगी। लेकिन जो रेज हो गए वो ऊपर चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे मतलब ऊपर नहीं चले जाएंगे, असेंड हो जाएंगे, वहाँ से नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ पर जाकर बैलेंस नहीं कर पाएंगे, उस एनर्जी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे और धड़ाम नीचे आ जाएंगे। वहाँ पर जो नीचे आ गए वो दोबारा नहीं उठ पाएंगे, ये जान लीजिए। तो यहाँ पर कलेक्टिवली एनर्जी अपग्रेड हो रही है, एनर्जी शिफ्ट्स हो रही हैं। और ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो कि हम लोग को आज्ञा नहीं है अभी डिस्क्लोज करने का, बट आगे आने वाले समय में कुछ ऐसी आपत्तियां आने वाली हैं। मैं बस इतना ही कहूँगी कि कुछ ऐसे बड़े इंसिडेंट्स होंगे जिसमें जो लोग अलाइंड हैं वो सपोर्टिव सिस्टम बनेंगे और उनके बेसिस पर आगे कुछ बड़े कार्य होंगे। तो जब सही समय आएगा मैं ज़रूर आप लोगों को गाइड करूँगी, और मैं हमेशा ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे व्यूवर्स हमेशा सुरक्षित रहें। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, होप आप लोगों को गाइडेंस मिलती रहे, आप लोगों को डिवाइन प्रोटेक्ट करें हमेशा, और रीडिंग अच्छी लगती हो लाइक किया कीजिए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।